दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्सेस इंग्लैंड वुमेंस ओडिया सीरीज का जो पहला मुकाबला खेला जाएगा और आज के इस वीडियो में आपको हम एक एक प्लेयर के बारे में फुल स्टार्ट फ्लस इन्फो देंगे मैच प्रोडिक्शन के बारे में बात करेंगे अब देखो इन्वेस्टमेंट के लिए मुकाबला बहुत बेहतरीन होगा और पहला मैचेस में हम सब इजिली प्रॉफिट निकाल सकते हैं तो दोनों ही टीमों के काफ़ी लो परसेंटेज सिलेक्शन वाले प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको स्मॉली के साथ साथ ग्रैंडलिंग भी विन करा कर देंगे तो क्या कुछ हमारे स्मॉली के डिफॉल्ट ऑप्शन से रहेंगे क्या कुछ हमारी ग्रैंडलिंग की कॉम्बिनेशन होंगी इस वीडियो में आपको पूरा फुल स्टार्ट फ्लोसिन फोर देंगे एंड तक देखिएगा आपको पूरी तरह से एनालिस करके देंगे कि कौन से ओ प्लेयर रहेंगे जो आज के मैचे में बैटिंग से स्कोर करके देंगी कौन से ओ प्लेयर रहेंगे जो बॉलिंग विद बैटिंग दोनों से ही आज के मुकाबले में आपको बेहतरीन से बेहतरीन विनिंग करा कर देने वाले क्योंकि अब जो हमारी कॉम्बिनेशन होंगी पूरी तरह से आपको फैंटेसी से डिफॉल्ट देखने को मिलेंगे एंड तक देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों सबसे पहले अगर आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों इससे रिलेटेड अगर हम किसी भी दूसरी वीडियो को जब भी अपलोड करेंगे तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगी तो वह इस को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा बाकी हम चलते हैं मैच प्रोडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं और दोस्तों सबसे पहले तो आप सब देख रहे हो फैंटेसी क्रिक फैन के टेलीग्राम चैनल को गाइस अब सभी भाइयों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे लाइनअप के बाद जो भी हमारी टीम में चेंजेस और फर्दर अपडेट होंगे इसकी जो मेरी फाइनल टीम होगी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे जहाँ पर वो के सब्सक्राइबर्स हमारे ऑलरेडी जुड़कर बहुत अच्छे विनिंग कर रहे हो जिसको भी फैंटेसी के फील्ड में जब प्रॉफिट निकालना है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सिर्फ लास्ट मिनट तक एक्टिव रहना आपको हर 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 वो अपडेट देंगे जो कि आपको विनिंग कराने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी जो इनकी प्रोबेबल लाइनअप और बैटिंग ऑर्डर के बाद जो हमारी कॉम्बिनेशन होती है पूरी तरह से आपको फैंटेसी से डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेंगी जिसकी अपडेट केवल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे जो लोग भी नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हो लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्टली आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओगे तो याद रखना कि आपको मेरे रियल चैनल पर जुड़ना जहाँ पर फोकस सब्सक्राइबर से काफ़ी सारे फेक चैनल भी भरे पड़े हुए तो रियल चैनल पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक इधर रखा है क्लिक करोगे सिंपली जुड़ जाओगे तो ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा बाकी हम चलते हैं मैच प्रोडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो वह देखो सबसे पहली बात ये डी आई सीरीज़ का पहला मुकाबला खिला जाएगा एक एक्ज नोटिस करो तो ये पाँच बजे पैंतीस मिनट पर मॉर्निंग में स्टार्ट होगा कॉन्टेस्ट अभी से ज्वाइन कर लेना गए सॉरी देखो टाइमिंग थोड़ी सी गलत है आठ चालीस पर शायद मॉर्निंग में स्टार्ट होगा कौन आप अभी से ज्वाइन करना ताकि आपको हर एक मतलब जो ओपोनेंट हो अगर अपनी टीम एडिट ना करे तो आप वैसे भी आधे मैच तो क्लीन स्विप कर जाओगे तो कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट अभी से ज्वाइन कर रहे हैं ना 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 वेन्यू अगर हम बात करें तो एडिलेड डोबल पर यह मुकाबला खेले जाएगा बाकी जो इनका एवरेज स्कोर होगा आपको एक से एक के बीच में देखने को मिलेंगे वुमेन्स के मुकाबले रहेंगे खूब से खूब स्कोर बनेंगे तो आपको दो के अंदर ही रहने वाले हैं तो जो लॉजिकली जाएंगे तो प्रॉफिट लीग बेहतरीन मुकाबला हमारे लिए होगा बाकी अगर हम इनकी पिच रिपोर्ट देखें तो थोड़ी सी बैट्समैन को अच्छे खास स्कोर करेंगे हालांकि पिच रिपोर्ट ज़्यादा तो कुछ मायने रखेगा नहीं टॉस पर डिपेंड करेगा तो अभी आप करो क्या ना कि जो पिच रहेगी पूरी तरह से है एजा मान लो की बैटिंग विद बॉलिंग दोनों से दोनों ही प्लेयर को काफ़ी अच्छी हेल्प मिलने वाली है अगर आप इनके रिसेंट फॉर्म देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का जो रीसेंट ओडीआई मुकाबले खेले गए थे एक मुकाबले लॉस किए चार मुकाबले वन करके आ रही है बाकी इंग्लैंड वुमेंस की टीम रिसेंट ओडीआई का अपने पांच मुकाबले खेले जहां पे एक मुकाबले लॉस और चार मुकाबले अपने इन्होंने भी वन किया है अब हेड टू तो हेड मुकाबले इनके बीच में टोटल सात मुकाबले खेले गए थे जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने पाँच बार विन किए बाकी इंग्लैंड ने दो बार विन किया अगर यहाँ से वेन्यू स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट इनिंग बैटिंग करने वाली टीम अड़तालीस बार विन किए बॉल फर्स्ट करने वाली टीम सैंतालीस बार विन किए तो टॉस फैक्टर इनका कुछ खास मायने रखेगा नहीं क्योंकि दोनों ही टीमों जोर से काफ़ी आपको बेहतरीन प्लेयर देखने को मिलेंगे तो जो भी मेरी फाइनल टीम होगी इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रहेगा जो लोग भी नहीं जुड़ें जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आपको हर एक मैचेस की अपडेट मिलता रहे कि जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लिक करोगे तो डायरेक्टली जुड़ जाओगे अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर अब दोनों ही टीमों की प्रोबेबल लाइनअप और एशियन मैचेस की परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर आप थोड़ी ध्यान से सुन लीजिएगा तो मैंने यहाँ पर जूम कर लिया ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के प्लेयर स्टार्टस के बारे में रेसिल नजर आएंगे जो टीम के रोज ओपनिंग बैटिंग करती हैं अदरवाइज़ अगर हम इनका ओडीआई फॉर्म की बात करो तो अभी तो इनका बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है खास करके इंग्लैंड के अगेंस्ट में और आपको इनको अपने स्मॉल लिंग में एज अ प्लेयर रखना देखो ग्रैंड लिंग वगैरह जब भी टारगेट करो ना तो इनको कैप्टन इनको जरूर यूज़ कीजिएगा हालांकि स्मालिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी हम इनको एज अ प्लेयर रखेंगे बाकी मीनिंग ग्रैंड लिंग वगैरह में भी इनको कैप्टन वगैरह रखिएगा एलिसा एले जो कि टीम के काफ़ी बड़े प्लेयर रहेंगी और काफी लोग अपने स्मॉली की टीम में शायद कैप्टन या वाइस कैप्टन भी करें पर अब एज आपको रिस्क लेना नहीं है एज आ प्लेयर रखो विकेट कीपिंग भी कराएंगी प्लस बैटिंग से रिकॉर्ड इनका तो ओडीआई के अंदर ठीक ठाक है तो एज अ प्लेयर के तौर पर इनको रख रहे हैं हालांकि ग्रैंड लीग वगैरह इन्वेस्ट करेंगे तो कैप्टन वगैरह लेकर जाएंगे अब उसके बाद आपको अलसाफैरी देखने को मिलेंगे जो कि कंफ्यूज़ करेंगी आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन को लेकर क्योंकि काफी लोग करेंगे पर इनके जो बॉलिंग रहेगा वो कन्फर्म नहीं है कि चार ओवर करा गए सॉरी आपको आठ से नौ ओवर करा कर देंगी हालांकि इनकी जो चांसेस रहेंगे बॉलिंग करने का वहाँ तक तो अगर हम बात करें तो दो से तीन ओवर शायद मिलेगा इससे ज़्यादा इनको बॉलिंग करने को मिलेगा नहीं कम चांसेस रहेंगे कि इनको बॉलिंग करने को भी शायद ना मिले हालांकि अगर आप रिसेंट ओडीआई फॉर्म की बात करें तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग से स्कोर आया तो ओपनिंग वह फिर वन डाउन टू डाउन बैटिंग करेंगे रिकॉर्ड की बात करें तो ओडीआई के अंदर इनका भी फॉर्म पहले के मुकाबले अगर आप दो हज़ार बीस और उन्नीस का देखोगे तो रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है पर इन्होंने इक्कीस के अंदर बहुत ही स्ट्रगल किया है हालांकि ओडीआई के अंदर कुछ खास बड़ा स्कोर किया नहीं है फिर भी टीम के बड़े प्लेयर है बैटिंग विद बॉलिंग दोनों ही कराती हैं तो आप सब अगर चाहो तो एज आ इनको लेकर जा सकते हो उसके बाद बेथन नहीं नजर आएंगे जो कंसिस्टेंसी बैट्समैन और ऑलमोस्ट इनको आप सब अपने स्मॉल लीग में रखना ही रखना रहेगा ग्रैंड लीग वगैरह में इनको कैप्टन वगैरह भी लेकर जा सकते हो हालांकि अगर आपको ड्रॉप करने की इच्छा करें तो बैटिंग ऑर्डर के अनुसार ये टॉस के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि ड्रॉप करना है कि ट्राई करना है तो जो इसकी अपडेट होंगी ना इसकी फाइनल्टी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा जो लोग भी नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूँ जैसे ही हमारे लिंक पर क्लिक करोगे आप सब टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पर ताइना महकत नज़र आएंगे जो बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कराएंगे टीम के अगर आप चाहो तो

किसी मैचेस में चलेंगे तो आप सीधे वन साइड विनिंग कराएंगे या फिर लॉस कराएंगे तो इनकी जो बैटिंग रहेगी मुझे सेफ नहीं दिखी है तो ऑलमोस्ट रिस्क लेकर ड्रॉप कर रहा हूं मैं इनको शायद मैं टॉस और बैटिंग ऑर्डर के अनुसार इनको ट्राई करूंगा तो इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लो उसके बाद आपको यहाँ पर श्वेदरलैंड नजर आएंगे जो बॉलिंग विद बैटिंग दोनों ही कराएंगी अब इनकी फॉर्म अगर आप देखोगे तो ओडीआई के अंदर बहुत ही बेहतरीन है तो ऐसा प्लेयर आप इन्हें स्मॉलिंग में रखना चाहते हो लेकर जा सकते हो पर आपको यहाँ पर अलीसा गर्डेनर भी देखने को मिलेंगे अब इन दोनों में से आपको किसी एक को ही रखना है गर्डेनर एक ऐसा प्लेयर के तौर पर ठीक ठाक ऑप्शन हो सकती है पर रिसेंट मुकाबला एक टी ट्वेंटी के इनका खेला गया था वहाँ पर इन्होंने कुछ खास बढ़िया स्कोर करा नहीं था हालाँकि अगर आप संदरलैंड की बात करें तो कंपेरिजन में इन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है और बॉलिंग से विकेट्स भी निकाले हुए तो ऐसा प्लेयर के तौर पर इनको अपने स्मॉलिंग में रखेंगे बाकी एलेना किंग और यहाँ से जॉनसन्स रहेंगे जो कि बॉलिंग आपको मिडल ऑर्डर सॉरी टॉप ऑर्डर में कराएंगी परफॉर्मेंस इनकी बेहतरीन है बॉलिंग से आपको विकेट मिलना इनको तय रहेगा तो दोनों ही अपने स्मॉली के एज अ प्लेयर इन दोनों में से किसी एक को रखना यहाँ से ब्रॉन्ज को लेकर जा रहे है जो कि इनकी जो बॉलिंग मुझे देखी वो काफ़ी टफ क्लास के तो एज अ प्लेयर के तौर पर काम आएंगी अब देखो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा जो लोग भी नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे चुका हूँ जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्टली जुड़ जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अभी क्लिक करो और ज्वाइन कर लो ताकि आपको हर एक मैचेस की अपडेट मिलता रहे हालांकि अगर हम यहाँ से इंग्लैंड वुमेन्स अगर हम बैटिंग ऑर्डर और रिसेंट मैचेस की बात करें तो एक बार यहाँ पर गौर फरमाइएगा अब आपको हर एक प्लेयर के बारे में यहाँ पर भी डिटेल्स में डिस्कस करके दे देते हैं कि कौन से प्लेयर वो रहेंगे जो बैटिंग से स्कोर करके देंगे तो खेज अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको यहाँ आप पर टोमी बॉमन नजर आएंगे जो टीम के ओपनिंग बैटिंग कराती है ओडी डी के अंदर फॉर्म की बात करो तो बहुत बेहतरीन है और इनको आप सब अपने स्मॉलिंग में एज अ प्लेयर रखेगा देखो एक चीज तो आपको टीम के उस ओपनिंग बैटिंग करते हुए नजर आएंगी इनकी जो परफॉर्मेंस है ना रिस्क ही रहेंगे फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ड्रॉप कीजिएगा पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप सब ओपनर बैट्समैन देखो मौका इनको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और शुरुआती के गेंद खेलने के लिए तो शायद रुक कर खेलें तो अगर आप चाहो तो इनको आप सब अपने स्मालिंग मेजा प्लेयर रख सकते हो उनसे बेहतर आपको यहाँ पर दानियल वेट नज़र आएंगे जो पार्ट टाइम बॉलर भी है तो अभी मैं इनको अपने स्मॉलिंग मेंज़ आप प्लेयर रखें बाकी दानियल वेट को ग्राइंडिंग वगैरह में कैप्टन भी ट्राई करके जा सकता हूँ हैदर नाइट टीम के कैप्टन बॉलिंग विद बैटिंग दोनों ही कराएंगे तो एज अ प्लेयर के तौर पर काफ़ी बेहतरीन चॉइस रहेंगे एन जिल्बा भी रहने वाली है तो दोनों होगी अपने इस लीग में एज अ प्लेयर रखेंगे कि बाकी ग्रैंड लिग वगैरह का टारगेट करोगे तो वहाँ पर इनको कैप्टन वगैरह इनको ज़रूर से रखिएगा बाकी एन जिल्बा को अगर आप चाहो तो इस मॉ लीग में भी कैप्टन या फिर वाइस कप्टन भी लेकर जा सकते हो उसके बाद सोफिया कुछ खास बढ़िया स्कोर नहीं है तो नहीं फिर भी आप इन्हें ग्रैंड लिग वगैरह में रखिएगा वैसे भी इन्होंने बैटिंग ही कराती है, बॉलिंग कराती नहीं तो मैं इनको नहीं रखूँगा जोन्स जो कि ग्रैंडली एक डिफॉल्ट ऑप्शन रहेंगे जेल वगैरह में रखिएगा वैसे भी सामने वाले टीम के विकेट कीपर एलि एलिशा हेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग विकेट टीकर विकेट कीपर है तो उनके साथ ही जाएंगे अभी मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ उसके बाद कैथरी ब्रेंट नजर आएंगे जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन स्मॉलिंग में रिस्क जिसको भी लेना होगा आप इन पर लीजिएगा जो कि बहुत ही कम लोग इनको अपने स्मॉलिंग में रखेंगे परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉलिंग विद बैटिंग दोनों ही कराएंगे ऑलरेडी के अंदर इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है तो रिस्क लेने के लिए एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन से रहेंगे बाकी आपकी इच्छा उसके बाद आपको यहाँ पर बाउचर देखने को मिलेंगे फॉर्म की बात करें तो कुछ खास बढ़िया नहीं है फिर भी ग्राइंडिंग वगैरह में रखो अब यहाँ से सारा ग्रेन और सोफिया जो कि इस मुकाबले के

अगर यहाँ से इंग्लैंड वूमेंस की बात करो तो हैदर नाइट और यहाँ से दानी वेट जो इस मुकाबले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी अब जो भी है मेरी फाइनल टीम रहेगी इसकी अपडेट आपको फैंटेसी क्लिक फैन कर टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे जो लोग भी नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूँ जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्टली जुड़ जाओगे हालांकि चलते अपनी ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन देख लेते हैं तो गैस अब यहाँ पर आप थोड़ी ध्यान से सुनेगा सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बॉलिंग सेक्शन से तो यहाँ पर आप सभी को थोड़ी से रिस्क वगैरह लेना होगा तो लीजिएगा मैं यहाँ से ब्रॉन को ऐसा प्लेयर रख रह रहे हैं जो दो परसेंट सिलेक्शन रहेगा इस मुकाबले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी उसके बाद हम यहाँ से जो दोस्तों को एज अ प्लेयर रखने बाकी एलेना किंग में एक बेहतरीन चॉइस रहेंगे रिस्क लेना हो तो आप ब्राउन के अंगेस्ट में आप इनको रख सकते हो बाकी आपकी इच्छा जिसके साथ आपके मन आप उसके साथ जा सकते हो क्रेडिट दोनों का ही सेम रहेगा अब एलि से पहली होने से मैगढ़ जो इस मुकाबले के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखी है पर मैं यहाँ सेदरलैंड को भी चाहता हूँ कि अपने स्मॉलिंग में एज आ प्लेयर रखी चलेगी बाकी गर्डिनर को अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इन दोनों में से किसी एक को रखेगा अब मैकलिन और बेथमैनी को रखोगे तो क्रेडिट का आपको बहुत सारे दिक्कतें देखने को मिलेंगे तो अब यहाँ पर एलिसा हैली भी यहां पर है तो मैं इनको अपने स्मॉलिंग में रख रहा हूं बाकी देखो रिस्क लेना होगा तो आप सदरलैंड को ड्रॉप करके आप यहां से इनको रख लीजिएगा जो कि आपको टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग कर दो नजर आएंगे इंग्लैंड वुमेंस की ओर से बात करें तो यहाँ पर देखो सारा ग्लेन जो इस मुकाबले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑलरेडी सिलेक्शन की बात करें तो तीन परसेंट है और इस मुकाबले के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे तो एज़ अ प्लेयर के तौर तो पर इनको हम सब अपने स्मॉलिंग में एज अ प्लेयर रख रहे हैं बाकी यहाँ से सोफिया को लेकर जाएंगे चार बॉलर मैंने रखा है अपने स्मॉलिंग में अगर आप इनको नहीं रखते हो तो आप यहाँ से कैथरी ब्रंट को रख पाओगे जो कि ऑलमोस्ट बॉलिंग विद बैटिंग दोनों ही कराएंगे हेदर नाइट्स को एज़ अ प्लेयर रखेंगे जो कि मुझे इनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन देखिए इनसे बेहतर आपको यहाँ पर दानी एलवेट भी देखने को मिलेंगे तो आप इनमें से किसी को ट्राई कर सकते हो हालांकि अब टॉस और लाइनअप के बाद ही मैं अपने टीम में चेंजेस कर पाऊँ देखो नाइट एक बेहतरीन ऑप्शन से रहेंगे रिस्क लेना होगा तो आप सब इनको अपने स्मॉलिंग में रखिएगा अगर आप इनके दानियल एलबेट के अगर अगेंस्ट में चाहो तो रख सकते हो अब जो भी हमारे एक विनिंग टीम अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे जो लोग भी नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी एक फाइनल टीम होगी या फिर एक विनिंग टीम होगी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लाइनअप के बाद जो भी हमारी टीम होगी इसकी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे जो लोग भी नहीं जुड़े डिस्क्रिप्शन में लिंक है जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि दोस्तों आपको हर एक मैचेस की अपडेट मिलता रहे टॉस और बैटिंग ऑर्डर के बाद हमारी कॉम्बिनेशन में जो चेंजेस होंगे इसकी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा मिलते नेक्स्ट की प्रोडिक्शन के साथ